नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा गुप्ता। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग आवर चैप्टर नंबर वन, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। टुडेज टॉपिक इज नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। अभी तक हमने बहुत सारी इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस और इसके बारे में स्टडी करी है, और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स के एक्चुअल में नेचर क्या है। इकोनॉमिक्स एक साइंस है या आर्ट्स है, और अगर ये साइंस है तो ये कैसा साइंस है, इस बारे में हम इसको आज जानेंगे। तो देखिए, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। अगर हम ये मानते हैं कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है, दैट मींस देयर आर टू पर्सपेक्टिव्स। हमारे दो तरह के हमें इसमें एस्पेक्ट्स लेकर के चलने पड़ेंगे। फर्स्ट है एक पॉजिटिव एस्पेक्ट और दूसरा है नॉर्मेटिव एस्पेक्ट। पॉजिटिव एस्पेक्ट का मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स जो है हमें ये बताती है जो एक्चुअल में हो रहा है हमारे चारों तरफ, जो कुछ भी एक्चुअल कंडीशन है, रियलिटी कंडीशंस है, उसके बारे में जब इकोनॉमिक्स हमें बताती है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और जब हम आइडियलिस्टिक बात करते हैं किसी भी सिचुएशन को लेकर के, अगर हम आइडियलिस्टिक बात करते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ये गलत हो रहा है, ये ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए, दैट मीन्स ये हम बात कर रहे हैं, या इकोनॉमिक्स जो इस तरह से अगर बताता है तो वो इकोनॉमिक्स होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, पॉजिटिव एनालिसिस, हमारा पॉजिटिव एनालिसिस क्या कहता है, ये कंक्लूजन्स आर ड्रॉन ऑन बेसिस ऑफ कॉजेज एंड इफेक्ट। जो भी कंक्लूजन्स होते हैं, यानी जो भी हम इकोनॉमिक्स के अंदर रिजल्ट निकालते हैं, जो भी बात हम कहते हैं, वो किस पर बेस्ड होती है, कॉज एंड इफेक्ट। जो भी कुछ कारण है और उसका जो इफेक्ट पड़ेगा उस पर वो बेस्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये बात कर रहे हैं कि भारत के अंदर इतनी बेरोजगारी है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमने ये बताया कि भाई हमारे यहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी है और इस कारण से यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। ओके, अब यहाँ पर ये कौन सा हमारा हो गया कंक्लूजन, हमने दे दिया, किस में दिया है, इकोनॉमिक्स में दिया है। तो ये हमने जो रियलिटी, जो फैक्ट्स हमारे पास थे, उस पर बेस्ड हमने जब कंक्लूजन दिया, तो ये कंक्लूजन हमारा क्या होगा, पॉजिटिव एनालिसिस कहलाएगा। अंडरस्टैंड, इट सीक्स टू एक्सप्लेन व्हाट एक्चुअली हैपन्स। ये क्या देखता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, दैट मीन्स व्हाट इज। इसकी जो पंच लाइन है वो है व्हाट इज, ये क्या है ना, क्या है, क्या है कि स्टडी करता है। ये कौन करता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स करता है। क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, कितना है, ये बताना पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का काम है। ओके, लेट्स सी नॉर्मेटिव एनालिसिस। नॉर्मेटिव एनालिसिस क्या कहता है, इट इज वैल्यू बेस्ड। ये वैल्यू बेस्ड होता है। वैल्यू बेस्ड का मतलब है कि कुछ अच्छा होना चाहिए, गलत हो रहा है तो उसको ये बताता है कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो ये क्या है, इम्पोर्टेंट है ये कि जो नॉर्मेटिव एनालिसिस है वो वैल्यू बेस्ड होता है। कंक्लूजन आर ड्रॉन ऑन बेसिस ऑफ वॉट ऑट टू बी। वॉट ऑट टू बी मतलब कि क्या होना चाहिए। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट। ये अपने बात जब ये कहता है तो उसमें जजमेंट के अंदर वैल्यू को भी शामिल करता है। अबाउट इकोनॉमिक्स फेयरनेस, इकोनॉमिक्स को एकदम साफ सुथरा रखते हुए कि ये गुड है और ये बैड है, ये सिचुएशन गलत है, ये अच्छी है, ये हमारी राइट है और ये रॉन्ग है। दैट मीन्स कि ऐसी बात कौन कहता है, ऐसी बात केवल आइडियलिस्टिक लोग कहते हैं या आइडियलिस्टिक थॉट्स वाले लोग कहते हैं कि ये गलत है, ये सही है। सही और गलत के बारे में जो इकोनॉमिक्स हमें बताता है वो कौन सा इकोनॉमिक्स है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये आपका हो गया नॉर्मेटिव एनालिसिस। अब ये तो हमारा था कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, लेकिन अगर इकोनॉमिक्स साइंस नहीं है, इकोनॉमिक्स क्या है, एक आर्ट्स है। तो क्या है, आर्ट्स रेफर्स टू फिजिकल एंड मेंटल कैपेसिटी बाय विच वर्क इज कंडक्टेड इन द बेस्ट मैनर। मतलब आर्ट्स क्या बताता है हमें, फिजिकल और मेंटल, यानी हम फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से हमारी कैपेसिटी के बारे में बताता है। विच वर्क इज कंडक्टेड इन द बेस्ट मैनर, जो कि एक बहुत अच्छे तरीके से काम करना हमें सिखाती है। आर्ट्स हमें क्या सिखाती है कि हम फिजिकली और मेंटली तरीके से किस तरह से अपनी अपनी फिजिकली और मेंटल कैपेसिटी का यूज करते हुए अपने किसी भी काम को कितने बेस्ट तरीके से कर सकते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, अभी आप जैसे हम वीडियोस यहाँ से आपको सेंड कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं देख पाते हैं, उसका रीजन कुछ भी रहा हो, लेकिन उनमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो देख भी पाते हैं, वीडियोस देखते भी हैं और उसको बेस्ट तरीके से अपने नोट्स में कन्वर्ट भी करते हैं, और न सिर्फ कन्वर्ट करते हैं बल्कि उसको लर्न भी करते हैं, उसको समझते भी हैं। ये क्या है? ये एक आर्ट है। हमारे पास जो कुछ भी फैसिलिटीज हैं, ये कौन प्रोवाइड करा रहा है? ये साइंस प्रोवाइड करा रहा है। ये टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम इस यहाँ अपने घर में बैठ करके और आपको टीच कर रहे हैं। ओके, ये कौन प्रोवाइड करा रहा है? ये साइंस प्रोवाइड करा रहा है। लेकिन आप उस टेक्नोलॉजी का कितने बेस्ट तरीके से अपनी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट कर सकते हो, ये कौन सिखाता है? ये आर्ट्स आपको सिखाता है। अंडरस्टैंड? तो इकोनॉमिक्स एक साइंस भी है और एक आर्ट्स भी है। तो बहुत अच्छी बात इसमें कही गई है, साइंस गिव्स प्रिंसिपल टू एनी डिसिप्लिन। साइंस हमें क्या करता है, किसी भी काम को एक डिसिप्लिन तरीके से, सही मैनर में वो प्रिंसिपल्स उसके लिए देता है। However, arts turn these principles into reality. Arts क्या करता है, उसको reality that means कि हम अपनी life के अंदर उसको कैसे involve कर सकते हैं, ये वो हमें कौन बताता है? Arts बताता है। For example, removing poverty. अगर पॉवर्टी देश के अंदर है, कितनी पॉवर्टी है ये बताना किसका काम है? इकोनॉमिक्स। कौन सी इकोनॉमिक्स है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन उस इकोनॉमिक्स जो उस पॉवर्टी है उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, कैसे वो जो हम उसको हटा सकते हैं या कम कर सकते हैं, इसकी जो टेक्निक्स हमें बताता है वो कौन बताता है? आर्ट्स बताता है। अनएम्प्लॉयमेंट रिडक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कम किया जाना चाहिए, ये कौन बताता है? ये हमें आर्ट्स बताता है। ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।